आज जनरल इस वीडियो में बात करेंगे नेटनेस ऑफ लैंग्वेज के बारे में। तो बेसिकली इनेटनेस वर्ड इज शोइंग दैट समथिंग वी आर बॉर्न विथ। ठीक है, यानी कि हम जो जब भी एक इंसान पैदा होता है तो ऑब्वियसली दैट पर्सन इज बॉर्न विद द लैंग्वेज एबिलिटी। अब एक बच्चा जो है वो जब पैदा हो और उसके बाद जब वो बोलना शुरू करता है एट द ईयर ऑफ टू, तो उसको जो है ऑब्वियसली आप रूल्स तो नहीं सिखाते ना। आप उर्दू लैंग्वेज के उसको रूल सिखाते हैं कि आपने पहले सब्जेक्ट यूज़ करना है और फिर आपने ऑब्जेक्ट यूज़ करना है या आपने वर्ब यूज़ करना है, या इंग्लिश के आप रूल सिखाते हैं कि SVO का स्ट्रक्चर फॉलो करना है। ऑब्वियसली दैट्स नॉट पॉसिबल कि एक बच्चा जो है 2 साल का उसको आप रूल सिखाएंगे और फिर उसको लैंग्वेज आएगी। सो वी लर्न द लैंग्वेज थ्रू और ब्रेन, यानी कि और ब्रेन हैज़ अ स्पेशल सिस्टम जिसमें हमारी लैंग्वेज की कैपेबिलिटीज होती हैं, या हमारा जेनेटिक मेकअप ही इसी तरह से होता है कि वी आर बॉर्न विद दिस लैंग्वेज एबिलिटी। कि एक बच्चा जो है वो ये चीज़ें जो हैं वो विदाउट एनी फॉर्मल एजुकेशन वो जो है वो ये सारी चीज़ें बॉर्न इन बॉर्न उसकी क्वालिटी होती हैं थ्रू विच दैट पर्सन एक्वायर द लैंग्वेज। सो फर्स्ट लैंग्वेज इज और बट लैंग्वेज एक्विजिशन वी एक्वायर फ्रॉम आवर सराउंडिंग। एक बच्चे के सामने जैसा बोला जाता है, जो लैंग्वेज बोली जाती है, दैट पर्सन एक्वायर दैट लैंग्वेज। अब चॉम्स्की ने क्या थ्योरी दी कि उसने कहा कि देयर इज़ अ बायोलॉजिकल सिस्टम इन आवर बॉडी, हमारा जो ब्रेन है वहाँ पे एक न्यूरल सर्किट्स हैं जो कि हमारी लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन को एट द बर्थ जो है वो कंटेन करना शुरू कर देते हैं। यानी कि एक बच्चा जो है वो पैदा हुआ तो वो उसकी कैसे हमें पता चल रहा है कि उसकी लैंग्वेज वो कैसे ग्रैप करता है? वाई? बिकॉज वी इन आवर ब्रेन वी हैव अ सिस्टम, वी हैव न्यूरल सर्कट्स जो कि लिंग्विस्टिक जो भी लैंग्वेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो हमारे उस पार्ट में जाती है, वहाँ से हम ग्रैब करते हैं। सो वट एवर द पर्सन इज स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट और इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड, तो वो जो है वो उसी को ग्रैब करेगा, उसी चीज़ को पिक कर लेगा और उसी तरह से बोलना शुरू कर देगा। द चाइल्ड्स नेचुरल प्री डिस्पोजिशन टू लर्न लैंग्वेज इज ट्रिगर्ड बाई हेयरिंग स्पीड। वही चीज़ कि उसकी लैंग्वेज जो है वो लर्निंग कैसे होती है? थ्रू हेयरिंग, थ्रू लिसनिंग। और चाइल्ड्स ब्रेन इज एबल टू इंटरप्रेट वट शी हियर्स अकॉर्डिंग टू द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर इट्स ऑलरेडी कंटेन, और उसके माइंड में ऑलरेडी होते हैं स्ट्रक्चर्स और सारा कुछ रूल्स उसके माइंड में ऑलरेडी हैं, और उसी के थ्रू जो है वो इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर रहा होता है। सो दिस इज़ वट वी कॉल इनेटनेस इन चॉम्स्की कंसेप्ट। तो अभी हम इसके अलावा यूनिवर्सल ग्रामर का कंसेप्ट पढ़ेंगे, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। B.F. स्किनर के बारे में पढ़ेंगे, हम लार्ड के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद मी, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल नाउ, गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।